हेलो, माई सेल्फ राधा कुमारी। मैं पालाजोरी ब्लॉक नोट से हूँ। मैं संकल्प कोचिंग सेंटर की स्टूडेंट हूँ। मुझे आप सभी को ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिला है, इसलिए अपॉर्चुनिटी मिला है, इसलिए मैं आप सभी की थैंकफुल हूँ। और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा, उसके खोजे गए पहले शहर हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। कोई इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहता है तो कोई सब अपने अलग अलग तर्क देते हैं। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा के अंतर्गत कई अन्य नगर भी आते हैं, जो कि सिंधु घाटी के किनारे पाए गए हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा के कुछ मुख्य शहर को पहले हम लोग या फिर उसके पूर्वी पश्चिमी तट को जान लेते हैं। हड़प्पा का उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में मांडा है, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज यह अखनूर जिले के किनारे स्थित है। इसका पश्चिमी भाग सुतकांगोडूर बलूचिस्तान है। यह दासक नदी के किनारे स्थित है। इसका पूर्वी भाग आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश और इसका इसका दक्षिणी बिंदु दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह प्रवरा नदी के किनारे है और यह सिंडर नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के ये सिंडर नदी के किनारे है। हाँ, सुतकांगोडूर बलूचिस्तान में है। यह पूर्वी बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग है। इसका पूर्वी पश्चिमी सीमा 1100 किलोमीटर है और इसका उत्तरी दक्षिणी सीमा 1600 किलोमीटर है। और
ये हो गया इसका पूर्वी पश्चिमी भाग। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगरों को जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगर में पहला है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। मोहनजोदारो में स्नानागार मिले हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध थे। मोहनजोदड़ो से अन्नागार के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसका खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है जो कि सिंध प्रांत में है। इसके दूसरे प्रमुख नगर है लोथल। मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर वगैरह भी मिले हैं और स्नानागार वगैरह भी मिले हैं। लोथल प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे हमें बंदरगाह मिलते हैं, डॉकयार्ड जो कि इधर स्थित होते हैं पानी के इधर। यहाँ से व्यापार बहुत अच्छे तरह से होता था। लोथल अभी गुजरात में कच्छ जिले में स्थित है। इसके प्रमुख नगर में हम एक कालीबंगा भी है। कालीबंगा को काली चूड़िया के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से हमें हल के साक्ष्य भी मिले हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। इसका एक प्रसिद्ध नगर चंद्रुद्रो भी है। इसका खोज बीबी लाल और बी के थापर ने किया था 1931 में। इसका खोज गोपाल मजुमदार ने किया था 1931 में। यहाँ पे उद्योग के साक्ष्य मिले हैं इसलिए यह प्रसिद्ध है। इसके एक प्रमुख नगर है बनावली। यह हरियाणा में स्थित है। यह फेमस है क्योंकि यहाँ से मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सब जो अभी मैंने बोला वो हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर थे। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध था क्योंकि उसकी नगर नियोजन व्यवस्था और जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण काटती थी। यह ग्रिड पद्धति को भी बताती है। हड़प्पा सभ्यता के सड़कें बहुत सीधी रेखा में होती थी
और अच्छी होती थी, जैसे अभी वर्तमान में हम नगर में देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की दूसरी थी फेमस चीज़ जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली फेमस थी क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में घर बहुत अच्छे से सुनियोजित बने हुए थे और घर के सारी गंदी पानी एक नाली में जाके मिलती थी और वो नाली ढकी हुई होती थी और आगे हर नाली के आगे एक मेन बना होता था जिससे हम नाली को साफ कर सकते थे और फिर सारे गंदे पानी एक बड़ी नालियाँ में जाके मिलती थी। इस वजह से यहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी और यहाँ का एक मुख्य बात था कि यहाँ पे ये निजता को भी महत्वपूर्ण माना गया था। हड़प्पा सभ्यता के घरों में से एक कहीं भी खिड़की नहीं मिली है जो दर्शाती है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग निजता को महत्व देते थे। हड़प्पा सभ्यता में एक लास्ट में घर के अंदर एक लास्ट कमरा होता था जो कि बाहर की ओर खुलता था। वहाँ पे कुएं पाए गए हैं। वह कुएं का दरवाज़ा हमेशा खुला होता था जिससे कोई भी राहगीर चलते फिरते पानी पी सकता था। यह ये बात को दर्शाता है कि वहाँ के लोग दयालु थे। हड़प्पा सभ्यता के भवन ये दर्शाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नताएं थी क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के भवन को अगर हम देखेंगे तो उसे दो भागों में बांटा गया था। एक था पश्चिमी भाग दुर्ग हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी भाग में दुर्ग मिला है जो कि ऊंचाई पर बना होता था और यहाँ पे संभवतः शासन वर्ग रहते होंगे क्योंकि यह बहुत अच्छे से बना हुआ था, ऊपर की ओर स्थित था। और एक भाग था पूर्वी भाग जिसे हम नगर कह सकते हैं, यहाँ संभवतः किसान व्यापारी वर्ग और अन्य लोग रहते होंगे। हड़प्पा सभ्यता अपनी इन्हीं नगर नियोजन के कारण बहुत प्रसिद्ध थी। अब हम हड़प्पा सभ्यता का अंत देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसे हर विद्वान अपने अलग अलग तर्क से बताते हैं, जैसे कोई कहता है भूकंप, कोई कहता है जलवायु परिवर्तन, कोई कहता है कि वहाँ पे मेसोपोटामिया से व्यापार बंद हो गया था। एक बात, हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी और हड़प्पा सभ्यता से कुछ ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि वहाँ लोग बाहर से भी व्यापार का आयात निर्यात करते थे, जैसे कि सोना दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान से लाया जाता था और फिर लाजवर्द मणि बतसंघा से प्राप्त किए जाते थे। चांदी ईरान, अफगानिस्तान, ये सब जगह से लाए जाते थे। यह बात बताता है कि वहाँ लोग व्यापार दूसरे नगर के साथ भी करते थे। तो बहुत कोई बोलते हैं कि इसका व्यापार दूसरे देशों के साथ बंद हो गया होगा, इन वजह से इसका अंत हो गया। तो इसके बारे में सब कोई अलग अलग डिटेल बताते हैं। इसका अभी तक कोई प्रमुख साक्ष्य नहीं मिला है। थैंक यू।